नमस्कार साथियों, आज हम एक बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई में विजिट वीजा के बारे में। बाकी भाई विजिट वीजा से किसी भी देश का आप मान सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ट्रेंड है दुबई में इंडिया से विजिट टू वर्क में जाना। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि इंडिया से दुबई आप विजिट में जाते हैं, अच्छी बात है, एक्सेप्टेड भी है, वहाँ पे सब लोग जाते भी हैं, काम भी है, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में वहाँ पहुँचने के बाद में प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है आपके साथ में, एक महीने के वीजे पे जाते हैं या फिर आप दो महीने के वीजा पे जाते हैं, जाते हैं आप एजेंट के थ्रू, 80% 20% लोग ऐसे होते हैं, 20% की वो लोग डायरेक्टली चले जाते हैं बिना एजेंट के, 80% लोग विजिट वीजा लेके एजेंट के थ्रू जाते हैं। और इसमें से भी बता दूं, 100 में से 80% वही लोग एक महीने के वीजा पे जाते हैं, हालांकि एजेंट पूरा पैसा वसूलते हैं आप लोगों से, आपको सबको पता है। जी हाँ, वहां जाने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालते ही, क्योंकि विजिट में जाते हैं बैठना पड़ता है बंदे को, वहां जाते ही थोड़े से समय के बाद में आपको रहने की प्रॉब्लम आ जाती है, खाने की प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, काफी टाइम से आप लोग बैठे होते हैं, एजेंट आपका फोन रिसीव नहीं कर रहा होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल आप लोग करते हैं दुबई में बैठ के। जी हाँ, कौन कौन से सवाल आपके हो सकते हैं, सर फीस कहाँ से दे, खाने का पैसा नहीं है, हमारे रहने की प्रॉब्लम हो रही है, जी हाँ हमें जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे हमारे ख़त्म हो गए, सर मुझे जॉब लगवा दो, किसी एजेंट के नंबर दे दो। कहाँ, दुबई की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी फीस मैं दे दूंगा, पहले आप जॉब लगवा दो, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। जी हाँ, प्लीज़ बता दो, फ़ोन उठाओ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, आप तो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर नंबर क्यों दे रहे हो आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंडिया में मेरे कोई बहुत सारे लोग इंडिया से मैसेज करते हैं, इंडिया में जहां यहां से मेरा भाई फंसा पड़ा है, मेरी बेटा फंसा पड़ा है, मेरा पति फंसा पड़ा है, मेरा पापा फंसा पड़ा है, ये सब लोगों की आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है। दुबई में जॉब लगवा दो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। इन सब के क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप विजिट में यहाँ से जाते हैं, ठीक है, अभी भी मैं ये बोलूँगा कि मत जाओ, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्यों बोलूँ भाई, आपकी मर्जी है, जा सकते हैं, दुबई में विजिट टू वर्क होता है, ठीक है, हालांकि इंडिया से विजिट टू वर्क में जाना किसी भी कंट्री में इलीगल है, वो वैलिड नहीं है। लेकिन आप लोग एक महीने के वीजा पे जाते हैं, कितनी बार आप, गलती तो 100% आपकी है भाई, आपका एजेंट भी गलत नहीं है, आपके परिवार भी गलत नहीं है, और मुझे भी लोग बहुत सारे दोष देते हैं, मैं क्या कर सकता हूं भाई। गलती तो आप लोग करते हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं किसी के बारे में तो आप तय तक जाते नहीं है, जान पहचान आप करते नहीं है उस सिस्टम के बारे में, मेरे जैसा फीस मांगता है तो बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि आज पहले सर मेरा दुबई का विजिट वीजा लगवा दो, फिर 15 दिन बाद उसका वीजा आ जाता है, सर वीजा चेक कर दो, ओपन लेटर बता दो, मैं जा रहा हूं दुबई विजिट वीजा में, अब मैं मांग लेता हूं फीस, तो वो बंदा फिर दुबई से मैसेज करता है, सर मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम है, प्लीज बता दो। यानी ये हकीकत है आप लोगों की, काश ये अगर पहले से आप मेरे से बात कर ले होते तो आज ये नौबत नहीं आती। एग्जाम्पल मेरे से का मतलब आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं, अगर जानकारी ले लेते तो आज आपको दिक्कत नहीं आती। जी हाँ, लेकिन नहीं, एजेंटों को आपको बड़ा मजा आता है, 50,000 रुपये आराम से आप पकड़ा देते हैं, आपको वहां जाते ही आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 15-20 दिन आप बैठ जाते हैं, इतना ही आपके पास जो पोटास होता है वो पोटास आपका खत्म हो जाता है, समझ रहे हो, पोटेंशियल है ही नहीं आपके पास, पैसा नहीं है तो आपके खाने की दिक्कत आएगी, थोड़ा टाइम और निकल जाता है तो वहाँ पे जिस रेंट पे रखते हैं वो कोई ना कोई रेंट पे लेके रखता है, वहाँ पे किराया नहीं दिया जाता है तो आपको वो बोलते हैं रूम से निकालेंगे, ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है। वहाँ बैठ के इंडिया में आप अपने एजेंट को कॉल करते हो, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, आपको फ़ोन नहीं उठाता है, फिर मेरे जैसे लोगों को आप परेशान करते हैं फ़ोन कर करके, जो मैंने पीछे बताए, सोशल मीडिया पर नंबर दे रखे हैं आपने, फ़ोन नहीं उठाते, अरे भाई यही काम थोड़ी है, गलती आपने एजेंट को पैसे दिए, आप जाके दुबई में बैठे, मैं जो अगर फ़ोन नहीं उठाऊं तो मैं गलत हो गया, कहने का मतलब ये, समझे थोड़े बात को, फ़ोन मैं नहीं उठा रहा हूँ, आप हजारों लाखों रुपए लोगों को दे देते हैं एजेंटों को, कमी तो उसके अपने एजेंट को इतना परेशान करिए ना आप, ताकि आपका समाधान हो जाए। कल परसों एक मैडम जी का फ़ोन आ रहा था, मेरे पति फंस गए दुबई में, एक महीने के विजिट वीज़ा में गए थे, उनका वीज़ा नहीं लगा, अब कैसे वीज़ा लगेगा, अरे भाई एजेंट को आपने 80,000 दिए, उसका माथा खाओ ना आप, वीज़ा तो वो लगवा के देगा, समझ में आ रही है बातें। तो देखिए, सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, नो डाउट, आप जब यहाँ से जाते हैं तो ही ध्यान रखिए ना भाई, आप दुबई में एजेंट के नंबर दे दो, भाई किसके नंबर दे दूँ, मुझे दिक्कत थोड़ी, मुझे दिक्कत होगी ना फिर, एक तो आपको नंबर दूँ मैं, एक आपकी हेल्प करूँ, इतना पोटास है मेरे पास में कि मैं दुबई में रोज 100 बंदों को जॉब लगवा सकता हूँ, नो डाउट, इतनी जानकारी है, इतने एजेंट भी लोग बैठे हैं, जानकार भी बैठे हैं, वो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, सर हम पैसा नहीं लेंगे, जॉब लगवा देंगे, लेकिन भाई माफ़ करना, आपको नंबर दूं, उसके बाद आप उससे कांटेक्ट करो, उसके बाद ये नहीं हुआ सर, वो ये बोल रहा है सर, ये प्रॉब्लम हो गई सर, उसको ये मेरा वीज़ा नहीं लगा, फिर मुझे परेशानी, क्यों भाई ऐसा काम क्यों करूं मैं,
समझ में आ रही है बातें? अगर मैं ये काम करता और आपको जॉब लगवाता तो आपसे फीस मांगने की मुझे कहाँ जरूरत थी? मैं एक बंदे में 20-30 हज़ार रुपये कमाता, महीने के 5 बंदे भेजता ना, तो मेरे 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए, 5 बंदों में 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेता मैं, जैसा कि आपके एजेंट कमा रहे हैं, आप दुबई जाके बैठे। समझ में आ रही है बातें? खुद का आप दुबई पहुंच गए तो भाई आप अपने एजेंट का माथा फोड़ो, उसका सर खाना पड़ेगा आपको। आप दूसरों को फोन कर रहे हो, सर मैं दुबई में विजिट में बैठा हूँ, आप मुझे जॉब लगवा दो, आप मुझे एजेंट का नंबर दे दो, ऑफिस का नंबर दे दो, एक तो आपकी हेल्प करूँ, फिर डंडा मुझे आप वापस दिए हैं। मैंने आज लगभग 2019 में मैंने बहुत सारे लोगों को नंबर भी दिए थे दुबई में, दुबई के एजेंट का वीडियो भी बनाए थे, मुझे पता है मेरी क्या हालत करी आप लोगों ने। एक भी पैसा एक बंदे से मैंने नहीं लिया, एजेंट का नंबर दिए, एजेंट को डायरेक्ट उन्होंने पैसे दिए, वहां जाके वो लोग बैठे, कोई महीने बैठा, 20 दिन बैठा, 15 दिन बैठा। डंडा किसके? अशोक LLB ने भेजा था हमें, उसने हमें नंबर दिए थे, उसके कहने पे हम दुबई आ गए। अरे भाई एहसान किया था मेरे पे, कमा के पैसे मेरे घर थोड़ी भेजोगे, या मुझे कोई कमीशन दे के गए थे दुबई में? लेकिन ये लोगों की हकीकत है, इसलिए भाई मैं तो माफी चाहता हूँ। ऐसा बहुत है, नंबर भी मेरे पास बहुत हैं, एजेंट भी मेरे पास बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं मुझे टेंशन पसंद नहीं है। एक तो आपकी हेल्प करो और ऊपर से एक डंडा और दे दो। समझ में आ रही है बातें? एक बंदा था, पता नहीं कहाँ उत्तर प्रदेश का था, 2-3 महीने पहले फीस डाली, एक वीडियो यूट्यूब का लिंक मुझे सेंड किया, बोला सर ये सर्बिया का वीज़ा लगवा रहा, लगवा लूँ क्या? आप थोड़ा देख के बता दो ये बंदा जेन्युइन है का। मैंने उसका वीडियो देखा और भी बहुत सारे वीडियो देखे, उसके रिव्यू देखे, तो उसको देख के मुझे लगा कि यार बंदा ठीक लग रहा है। मैं बोला भाई ठीक लग रहा है मुझे तो, बाकी आप अपने स्तर पे। 2 महीने बाद आज मैसेज करता है, सर आपने जिस एजेंट को सही बताया था उसने 2 लाख रुपए ले लिए, 1 महीना हो गया मेरी फ्लाइट नहीं करवा रहा है, आप बताओ जी। मतलब ये स्थिति है कि किसी के बारे में अच्छा बताना भी एक गलती कर रहा है अशोक LLB, डंडा उसी को देना है, माथापच्ची उससे नहीं करनी है जिसको 2 लाख रुपए दे दिए। अशोक LLB को मैसेज कर किया जा रहे हैं कि सर आपने ये इसको अच्छा बताया था, ये 1 महीने से टिकट नहीं बना रहा है। ये स्थिति आप लोगों की सोच, ये डिपेंड करता है ये सोच आप लोगों की, तो इससे बड़ी है कि भाई आप जिस भी स्थिति में हो आप वहीं पे अपने स्तर पे समाधान करिए, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। डंडा देना है तो अपने एजेंट को दीजिए जिसके थ्रू पैसे दे के आप पहुंचे और जिसने आपसे वादे किए थे, उसके द्वारा उसको परेशान कीजिए। आप समझ गए होंगे, मेरे आंसर आपको मिल गए होंगे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।